देश की राजनीति में तेजी से जड़े जमा रही नेशनल यूथ पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रोडमैप तैयार कर लिया है। पार्टी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 50% सीटों पर महिला प्रत्याशियों को टिकट दिए जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मोनू कुशवाहा ने भोपाल में संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता को हमेशा से छला है। प्रदेश में आदिवासियों, अच्छा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं है। अब चुनाव आए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल मध्य प्रदेश के भोले भाले लोगों को गुमराह करने के लिए लुभावनी बातें कर रहे हैं। प्रदेश की सत्ता पर आज़ादी के बाद से राज करने के दौरान दोनों दलों ने कभी जनता की सुध नहीं ली। अब मध्य प्रदेश के लोग विकल्प के तौर पर नेशनल यूथ पार्टी की ओर देख रहे हैं। सर्वजन का विकास, युवाओं को रोजगार देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि नेशनल यूथ पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। 50 से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का चयन अंतिम दौर में है। जल्द ही इनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नेशनल यूथ पार्टी 150 से ज़्यादा सीटें जीतकर प्रदेश में जनता की सरकार बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में सर्वजन का विकास होगा, सभी समाज वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश में आ रही सुविधा, बिजली, पानी और सड़क को बढ़ाया जाएगा, बच्चों को रोजगार मूलक शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी, शिक्षा सस्ती कराई जाएगी ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ लिख कर अफसर बने, अपना और देश प्रदेश का भविष्य बने। उन्होंने कहा कि साथी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही दलों में वे लोग हैं जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। यह लोग कभी भी देश और प्रदेश का विकास नहीं चाहते। मेरा नाम राजकुमार सिंह है, मैं नेशनल यूथ पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूं और मध्य प्रदेश में पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी ने एक एजेंडा लिया है कि देश में जब महिला और पुरुष की आबादी 50-50% है तो राजनीति में उनकी भागीदारी 50% होनी चाहिए। एक तो हम जो भी टिकट देंगे इस पे 50% टिकट महिलाओं को देंगे, अपनी बहनों को देंगे। दूसरा विषय ये है कि हम अपना 17 सितंबर को मध्यप्रदेश का प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और उसी दिन हम अपने जो है पहली सूची जारी करेंगे अपने कैंडिडेट। कोशिश हमारी है कि 230 के पूरी सारी सीटों पे लड़े, बाकी का जो है जैसे जैसे फिगर आता जाएगा हम उसकी वोट प्राप्त करेंगे। अभी अप्रोक्सीमेटली 110 सीटों पे कैंडिडेट हमारे मोटा मोटा तैयार हैं, जिनको फाइनलाइज हो गया है, उनका अनाउंसमेंट होना है। बाकी का जो है जैसे जैसे लोग नई पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कई बार लोग कार्यकर्ता हिम्मत नहीं जुटा पाता है, कई बार चुनाव से डर लगता है, इस कारण से धीरे